नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। आज हम बात करेंगे पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैथमेटिक्स के, जो एसएससी जीडी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत है, उन्होंने 24 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों, 36 अंक आपको पास होने के लिए प्राप्त चाहिए, लेकिन 24 अंकों से 24% प्राप्त हुए और 9 अंकों से फेल हो गया। यानी इन दोनों का बीच का अंतर कौन सा है दोस्तों? 9 अंक है। कितने अंक है? 9 अंक है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों, प्रतिशत के अंदर कुल 12% का अंतर है। सवाल को पूरा समझना, उसके बाद में प्रश्न का उत्तर देना दोस्तों। देखिए, प्रतिशत में 12 का अंतर है और अंकों की बात करें 9 का अंतर है। और पूछा गया है कि पूरे मार्क्स ने 100 नंबर का पेपर कुल मैंने कितने माना, पूर्णांक कितने का है? 100 नंबर का पूर्णांक मैंने माना है। माना क्या माना? एक्स माना, या आप जीरो मान सकते हो। तो दोस्तों, अब ये हो गया कि 12 किसके बराबर, 12% है वो किसके बराबर? 9 के बराबर है। तो मुझे 100% ज्ञात करना, कितना करना? 100। तो मेरे पास में 9 किसके बराबर है? 12 के बराबर है, और मुझे 100 के बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। देखिए, 3 का भाग 3 बार गया, 3 का भाग 4 बार गया, 4 का भाग 25 बार गया। अब दोस्तों, 3 × 25 कितने हो रहे हैं? 75। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका? प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 75 आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, तो जल्दी से कमेंट्स करें। अगला 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, इनमें से 5% की दर से प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि? यानी दोस्तों, 100 है, 100 का 5% कितना होता है? 105% क्या होती? वृद्धि होती है। और इस प्रकार से ये 2 साल चलती, कितने साल चलती? 2 साल। पूछा क्या है कि 2 साल पूर्व की जनसंख्या कितनी थी? अब दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं कि दो वर्ष पूर्व की जनसंख्या x मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं? x। तो देखिए, मैं यहां लिखूंगा x, x इंटू, अब वृद्धि कितनी? 105 बटा 100 × 105 बटा 100, और जो वर्तमान में कितने? 1,76,400 है। समझ में आ गया। और हम इसके क्या करना है, हमें जो x का मान है ये ज्ञात करना है। तो चलिए, इसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देना है, जब ये x का मान मुझे प्लस में चाहिए, तो x बराबर, अब दोस्तों ये कितनी है? 1,76,400 इंटू, अब जो नीचे वाली संख्या है ऊपर चली जाएगी, 100 बट्टा 105 × 105। समझ में आ गया। तो अब इसका समीकरण को आपको सॉल्यूशन करना है। कैसे सॉल्यूशन करना है वो आपको बता देता हूं फटाफट से। अब इस सॉल्यूशन का समीकरण को ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? यस। अब देखिए, इसका मैं इसको, ये 21 बार जाता है तो ये 20 बार जाता है, और ये 21 बार जाता है तो ये कितनी बार जाता है? 20 बार जाता है। क्लियर? समझना है किस प्रकार से आपको काटना है। अब हो गया, अब 21 का भाग हम इसे देंगे, 21 का भाग, 21 का भाग यहां पर देंगे। अब ये ध्यान रखना, कब ये देखिए, 21 × 14 21 21, देखिए 21 × मैं 7 करता हूं तो 7 × 7 = 14, 147 नहीं, और 8 का अगर 8 बार 8 × 2 = 16, 178, यस 168। तो 168 बार गया, पीछे कितना बचा? 16 में से 8 गए, 8। तो पहली बार कितनी बार कट गया? 8 बार कट गया। अब देखिए, 8 बचा, पीछे कितना बार? 21 का भाग कितनी बार गया? 4 बार गया। तो ये हो गया आपका
84, कितनी बार हो गया 84। अब 21 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार, 400 कितनी हो गई, 400 हो गई। अब दोस्तों यहां पर देखिए 2 दूनी 4, तो यहां पर आपका स्पष्ट हो गया है, देखिए यहां पर 400, अब बचा क्या है, देखिए एक बचा 400, एक बचा है 20, एक बचा है 20। आराम से सॉल्यूशन कर लीजिए, 4 का भाग इसमें 8 बार गया, 8 का भाग 16, तो ये देखिए 16 कितने जी, 2 2 और 2, और ये आपका हो गया, तो ये आपका क्या है 160,000, कितनी है 160,000 आपका, ये आपका राइट आंसर। समझ में नहीं आया ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों, लेकिन मैथ का सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखिए अगला तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी को 1,440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और उतने ही रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो वो कितने रुपये में बेचा गया, यानी 15% लाभ कमाकर। तो दोस्तों मेरे पास 100 रुपये की है चीज़, अगर मैं 90 रुपये हानि में बेचूंगा तो कितना होगा, 10 रुपये हानि में बेचूंगा तो 90, 100 रुपये की चीज़ है 15% लाभ में बेचूंगा तो कितना हो रहा है 100। अब दोस्तों 100 जो आपकी जो 1,440 है ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो 115 के बराबर ज्ञात करना है। देखिए एक घड़ी को बेचा कितने रुपए में, 10% हानि, तो 1,440 बटा 90 और उतने रुपए में बेचने पर 15%, तो 15 का लाभ, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 9 का भाग दे दीजिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए 9 का भाग दीजिए, 9 का भाग पहले एक बार गया, कितनी बार गया एक बार, पीछे कितने 4 और 9 का भाग 6 बार गया 54, तो कितना हो गया, अब आपका हो गया 16 × 115। अब इसका मल्टीप्लाई करना है और आपका उत्तर निकालना है, जल्दी से बताइए। अब इसे कैसे देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई आपको 16 का विभाजन नहीं हो रहा है, तो देखिए इसको किस प्रकार से करना, एक मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए इसका आधा 8 और इसका डबल 230, 23 का पारा आना चाहिए, 23 का 8 का भाग, तो चलिए 0 8 3 24, असल की 2 8 2 16 17 18, तो दोस्तों कुल जो कितने रुपए में बेची जाएगी 1840 के अंदर, तो 1840 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। समझ में आया, यस या नो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स कर। एक और प्रश्न देखेंगे, यस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एसएससी जीडी के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, कि एक नल की टंकी है जो 16 घंटे में भरी जाती है, यानी एक कितने घंटे में, 16 घंटे में, परंतु उस तल में एक छेद, तो दोस्तों छेद होगा तो माइनस और माइनस में क्या कर लूंगा, एक्स कर लूंगा, क्योंकि उसमें नहीं दे रखा है, छेद होने के कारण उस टंकी को 24 घंटे में यानी 1/24 के अंदर भरा जाता है। यस अब पूछा है खाली, यानी एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, देखिए ये प्लस में लेके आ जाइए, ये प्लस में बराबर, प्लस में लेके आ जाएंगे तो बराबर 1/24। अब देखिए माइनस, ये प्लस के अंदर है तो इधर आएगा माइनस 1/16, लसअप कितना आएगा 48, तो दोस्तों 24 का 2 बार माइनस, अब देखेंगे होड़ा 16 3 48 कितना बचा 1/48, तो दोस्तों इसका राइट है 1 किसके बराबर है 48 के बराबर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया 48, कितने घंटे 48 घंटे, टाइम ज्ञात करना है, एक्स का मान मेरे पास 48 आ गया, तो राइट आंसर क्या हो गया 48। समझना जरूरी है उत्तर, तो चलिए देखिए एक और प्रश्न देखते हैं, आज का 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नाभिक नदी की धारा क्या है, एक में आपको एक आपको सॉल्यूशन के लिए एक और प्रश्न भी आपको दूंगा। देखिए क्या कह रहा है कि 5 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो दोस्तों 12/5, यस ये ध्यान रखना है, घंटे नीचे किलोमीटर आएंगे, तो प्रति सेकंड पूछा, घंटे प्रति सेकंड हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका, उसी धारा में कितनी जा रही 22 किलोमीटर उसी धारा में, तो दोस्तों 22 उसी धारा है और घंटा कितना है 5 घंटे हो गए, घंटे हो गए 5। अब पूछा गया है कि वेग पूछा आमने सामने, देखिए उसी धारा की दिशा में जा रहे हैं तो दोनों को माइनस करेंगे और आने जाने, तो कितना एक आ रहा है देखिए विरुद्ध आ रहा है और जाने की, तो 2 क्या हो जाएगा 2। इसका सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है देखते हैं दोस्तों, अच्छा प्रश्न है समझिए
और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अब सबसे पहले ये तो बट्टे में, तो यहाँ पर पांच आएगा, लसप आएगा, पांच आएगा, पांच लसप आएगा, तो पांच का तो देखिए पांच का कितने, 12 माइनस 22, तो इसका क्या है 10/5, 10/5, और नीचे कितना है 2। अब देखिए यहाँ पर 10/5 और नीचे बट्टे में क्या है 2। अब ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 10/10 10/10 = 1, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ गया। चलिए समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और दोस्तों ये देखिए 8, 9, 6 नंबर प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न है, तो इस एक प्रश्न को भी आप कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 मजदूर हैं। दोस्तों इसके अंदर मजदूर का प्रश्न आते ही आपको क्या करना है, m इंटू डी बराबर m2 इंटू d2। अब इसमें क्या पूछा है, ये फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला। अब इसको कैसे करना है, देखिए 8 मजदूर है, कितने मजदूर है 8 मजदूर, तो मेरे पास पहले राउंड में कितने मजदूर है 8 मजदूर है। एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, देखिए 16 दिन में पूरा करते हैं, आठों ने मिलकर 2 दिन, तो आठों ने मिलकर 2 दिन किया, तो 2 माइनस करेंगे तो कितने हो गए 14, तो यहाँ पर आ गया इंटू 14। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, बराबर वापिस पूछा है, आठों ने मिलकर 2 दिन किया है, उसके बाद 8 और आ गए। दोस्तों पहले तो 8 थे और फिर क्या आ गए 8 हो गए, तो पहले 8 थे फिर 8 आ गए, तो किल कितने हो गए 16 हो गए। और अब इंटू, अब पूछा गया शेष कार्य, ये हमारा d2 ज्ञात करना, क्या करना है d2 ज्ञात करना, क्या करना है 8 × 8 = 16, अब 8 × 14 ये इंटू d2, क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। अब आप सीधा काट सकते हैं, ये देखिए 8 का भाग 2 बार गया और 2 का भाग 7 बार गया, तो 7 = d2। अब पूछा d2 का मान, तो d2 कितना हो गया 7, तो ये आपका आंसर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मैथ का वीडियो है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मैथ में पूरे में से पूरे प्राप्त आप 25 में से 25 अंक प्राप्त कर सकते हो अगर आप SSC का जेनून है तो। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए, धन्यवाद।